आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज अभी शाम के बज रहे 7 और आज है 8 तारीख और मैं लास्ट टाइम 25 को कॉलेज आया था। 25 के बाद डायरेक्ट आज कॉलेज आ रहा हूँ, तो आज देखते हैं क्या होता है कॉलेज में। अभी रात के 10:20 हो चुके हैं और मैं घर जा रहा हूँ। अब तो सड़कों पर उतना भीड़ नहीं है और आज बहुत दिनों के बाद, मतलब 25 या 24 को लास्ट मैं कॉलेज गया था, उसके बाद आज कॉलेज गया। कॉलेज जाओ तो एकदम तरोताज़ा हो जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, नहीं तो पूरे दिन घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करो तो शाम को तो पढ़ाई भी नहीं होता और एकदम थके थके महसूस हो, दिमाग थक जाता है, मतलब शरीर तो नहीं थकता लेकिन दिमाग थक जाता है। लेकिन कॉलेज आओ तो एकदम तरोताज़ा हो जाओ। तो अभी जा रहा हूँ घर पे, 10:30 तक पहुँच जाऊँगा। पे पहुँच गया और अभी तो 11 बज गए हैं। तो मैंने आपको बस थोड़ा सा ही बताया कॉलेज के दिन क्या होते हैं, ये तो आप सब भी जो लोग कॉलेज छोड़ चुके हैं उन्हें महसूस होता होगा, क्योंकि मैंने भी बड़े लोगों से सुना है कि कॉलेज जैसे दिन हमारे कभी नहीं आते। और वो चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ कि अपने जो परम मित्र होते हैं उनसे मिलना, और महान लोग कहे गए हैं, संत भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है संत मिलन। संत मिलन मतलब अच्छे लोगों के साथ मिलना, और हमारे परम मित्र ही हमारे सब कुछ होते हैं। तो कॉलेज के दिन तो बहुत मस्त होते हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग कॉलेज के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में आप मुझे बताना, तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी तो बस थोड़ा सा ही बनाया था कि कॉलेज गया था और फिर शाम को रिटर्न आ रहा था 10 बजे, क्योंकि मेरा कॉलेज तो नाइट है। तो और आप लोगों को पसंद आएगा तो आप बताना, मैं डिटेल बड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा और लाइक करिए, ऐसे वीडियो आपको डिटेल में बड़े देखने हो तो कमेंट में बताइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।